विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस 75 सीटें जीतेगी। चौबे ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक ही नारा चल रहा है, भूपेश है तो भरोसा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चर्चा में केवल और केवल हमारे घोषणा पत्र की चर्चा करते हैं। कभी आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपने कौन सा घोषणा पत्र बनाया था? हम जो वादे करते आए हैं उस पर जनता को भरोसा है। हमारे 71 विधायक हैं, अगली बार 75 हो जाएंगे। चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश के बकाया पैसों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? केंद्र सरकार से हमें 30,000 करोड़ रुपए लेना है। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए किस किस मद में लेना है ये लिख कर दे दें, हम बात करेंगे। पुन्नू लाल मोहिले ने कहा है कि राज्य में आप हमारे साथ होने वाले दुर्व्यवहार को सुधारिए। मंत्री हमारा फोन नहीं उठाते, दुर्व्यवहार करते हैं, इसे सुधारिए, मैं दिल्ली आपके साथ चलूंगा। चौबे ने राम वन गमन पथ का जिक्र किया। इस पर सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से जय सियाराम और विपक्ष की ओर से जय श्री राम का नारा लगा। चौबे ने कहा कि पिछली सरकार ने संस्कृति के नाम पर क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है। हीरोइनों को बुलाकर करोड़ों रुपए दिए गए। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के एक सांसद की बेटी को 20 करोड़ रुपए इवेंट के नाम पर दिए गए। छत्तीसगढ़ का पैसा बाहर के लोगों के खाने के लिए है। चौबे ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने राम वन पथ गमन बनाने का निर्णय लिया है तो आपको क्या तकलीफ है? मानस मंडली प्रतियोगिता का निर्णय लिया तो क्या तकलीफ है? राम हम सबके हैं, लेकिन वोट, चंदाखोरी और नोट के लिए राम हमारे नहीं हैं। राम बहस का मुद्दा नहीं हो सकते। राम जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। 15 साल हुकूमत में थे तब राम की याद नहीं आई, माता कौशल्या याद नहीं आई। हम उस राम की पूजा करते हैं जो शबरी के राम हैं, जो केवट के राम हैं, वनवासियों के राम हैं। चौबे के बयान के दौरान अजय चंद्राकर ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की याद दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी बांटने को लेकर टिप्पणी की थी। इस पर चौबे ने कहा, सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है तो वह आपको रेवड़ी लग रही है, यही आपका दुर्भाग्य है। इस देश में किसानों के लिए कोई इतना पैसा नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धान की कीमत उत्तर प्रदेश में क्या है किसी से पूछ लेना। उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल है, छत्तीसगढ़ में 2,640 रुपए मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।